है कराची हिम्मत की, जिसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, जिसकी लास्ट मिसाल आपको मिलती है हालिया बारिशों में। आपके सामने है कि हमारे अतराफ के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की पजीर नहीं, वहां पर बारिश हुई तो वहां क्या हाल हुआ, लेकिन कराची शहर जिसके अंदर बेपनाह मसाइल हैं, उन मसाइल की रोज हम बात करते हैं तनकीद करने के लिए, लेकिन आप सब ने देखा कि शहर कराची में भरपूर बारिश हुई, लेकिन KMC का अमला हो, वाटर बोर्ड का अमला हो, सॉलिड वेस्ट का अमला हो, हम लोग सब के सब मैदान अमल में मौजूद रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि शहर कराची के अंदर उस तरीके से पानी जमा नहीं हुआ, मसाइल हल हुए। ये मेरी कमिटमेंट है इंशाअल्लाह कि अगले 3.5-3.75 सालों में ये तमाम लोग जो आप में से हैं, आपके दरमियान रहेंगे, आपके मसाइल को संजीदगी के साथ हल करने की कोशिश करेंगे और आपको इंशाअल्लाह काम होता हुआ नजर आएगा। मैं एक बार फिर जो साजिद साहब ने डिमांड की थी, क्योंकि साजिद साहब भी अब रिटायर होने वाले हैं कुछ अरसे बाद, तो वो मुस्तकबिल की पेशबंदी कर रहे हैं, कि इंशाअल्लाह मेरा वादा यही है, कमिटमेंट यही है कि बल्दिया उज़्मा कराची जो है उसको किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। हम इंशाअल्लाह ये जो लाइबिलिटी अक्रू हो चुकी है, ये सिंध गवर्नमेंट के तआवुन से इंशाअल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे और मुस्तकबिल के अंदर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इस लेवल पर ले आएंगे कि इंशाअल्लाह हमें किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने वसाइल को, जिस तरह अभी हमने ये 792 फैमिलीज को रिलीफ देने जा रहे हैं, इसी तरीके से तमाम लोगों को रिलीफ देने में इंशाअल्लाह कामयाब हो पाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हम सब के लिए बेहतर होगा, कराची शहर के लिए बेहतर होगा, हमारे सूबे सिंध के लिए बेहतर होगा, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो, जिए आवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान।